गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप लोगों को मेडिवल मॉन्यूमेंट के बारे में पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को कल है ना हिंदू आर्किटेक्चर के बारे में बताया था, उसमें मैं आप लोगों को ये बताया कि जो हिंदू एम्पायर हुआ करते थे, जो हिंदू राजा हुआ करते थे, वह किस तरह के आर्किटेक्चर, किस तरह के बिल्डिंग है ना ये सब बनाते थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, है ना। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर क्या है? तो देखो, जब है ना मुस्लिम शासक जब इंडिया पे आक्रमण किया और जब मुस्लिम राजा भारत पे राज करना शुरू कर दिए है ना, तो उन्होंने क्या किया, इस्लामिक आर्किटेक्चर बनाना शुरू किया है ना, अपने धर्म के हिसाब से बिल्डिंग, मस्जिद, मॉस्क, फोर्ट वगैरह बनाना शुरू किया। वही जो है ना इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहलाया। इस्लामिक आर्किटेक्चर केम टू इंडिया विद द तुर्क्स, है ना। तुर्क लोग जो इंडिया में आए तो वह अपने साथ इस्लामिक आर्किटेक्चर लेके आए, है ना। मस्जिद बनाने का आर्किटेक्चर, नया नया कलाकृति है ना, वह अपने साथ लेके आए। वाज टेकन टू इट्स ग्रेटेस्ट हाइट बाय द मुगल, और मुगल के समय में यह बहुत ऊंचाई तक गया, बहुत इसका नाम हुआ इस आर्किटेक्चर का। इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है इंडिया में ही नहीं, बहुत जगह पूरे दूर दूर तक फैला। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स द न्यू रूलर्स डिड वाज टू बिल्ड हाउसेस एंड मॉस्किट फॉर देयर फॉलोअर्स। जब तुर्क लोग आए तो उस समय एक नया चीज यह देखा गया कि वो लोग जो है अपने फॉलोअर्स को, अपने मानने वालों के लिए हाउसेस और मॉस्किट बनाते थे, घर बनाते थे और मॉस बनाते थे, मस्जिद बनाते थे। इसके लिए अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने चाहने वाले के लिए। दे वेयर इनिशियली बिल्ट इन स्ट्रिक्ट इस्लामिक ट्रेडिशन। वे लोग जो थे जो आर्किटेक्चर बनाते थे तो स्ट्रिक्ट इस्लामिक होता था, मतलब बिल्कुल इस्लामिक हिसाब से है ना, इस्लाम धर्म के हिसाब से होता था। लेकिन सुन द ओरिजिनल प्योरिटी वॉज लॉस्ट, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत ही जल्द उसकी जो प्योरिटी थी, जो इस्लामिक प्योरिटी थी, वह धीरे धीरे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। एंड मेनी इंडियन आर्किटेक्चर एलिमेंट्स वेयर एडेप्टेड, है ना, और बहुत इंडियन आर्किटेक्चर उसमें क्या किया, एडेप्ट कर दिया गया, है ना। वो लोग अब इस्लामिक आर्किटेक्चर के साथ साथ बहुत इंडियन आर्किटेक्चर थे उसको अपनाने लगे, जैसे है ना, जैसे छतरी क्या होता था, तो अम्ब्रेला के शेप का एक स्मॉल है ना छोटा सा एक स्थान हुआ करता था, है ना, जिसे है ना कि है ना कियोस्क, मतलब टेलीफोन बूथ, आप लोग जानते होंगे पहले फ़ोन करने के लिए टेलीफोन बूथ पे जाया करता था, तो अम्ब्रेला के शेप का यह टेलीफोन बूथ हुआ करता था, या पवेलियन जहाँ पे बहुत सारे आदमी आके बैठे थे, ये सब हुआ करता था। तो छतरीज आर्किटेक्चर हो गया, छज्जा जानते होंगे, जो बिल्डिंग होते हैं पक्के मकान होते हैं, तो छत जो होता है उसका रूफ, तो रूफ से नीचे है ना एक जो है ना सामान रखने के लिए, कुछ सामान वगैरह रखने के लिए एक ढलाई कर दिया जाता है, उसे ही छज्जा कहते हैं, है ना। झरोखाज मतलब है ना विंडो इम्ब्रेसर्स, मतलब विंडो के लिए या गेट के लिए जो जगह छोड़ा जाता था उसे ही झरोखा कहा जाता था। तो ये कुछ है ना आर्किटेक्चर था जो मुस्लिम राजा जो थे वह इस आर्किटेक्चर को अपना लिए थे। एट द सेम टाइम, उसी समय दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस वेरियस एलिमेंट सच एज डोम, उसी समय वे लोग जो है और भी बहुत सारे एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया, जैसे डोम हो गया, आर्च हो गया, माइनरेट। डोम मतलब क्या होता है, गुंबद, आप लोग देखे होंगे मस्जिद वगैरह में ऊपर पे गुंबद बना रहता है। आर्च है ना, जैसे बिल्डिंग वगैरह होता है तो किस तरह पिलर दिया जाता है ना, वही पिलर, आगे मैं इसके बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा। मिनरेट, मीनार है ना, इस सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया। दिस ब्लेंडिंग ऑफ द ट्रेडिशनल स्टाइल्स प्रिवेंट इन इंडिया, ये जो स्टाइल थे वह हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट सब की तरफ से अलग अलग हुआ करते थे। एंड द इस्लामिक स्टाइल लेड टू द राइज ऑफ इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और वही इंडिया में जो नया नया इस्लामिक स्टाइल है ना ईजाद किया गया, शुरुआत की गई, उसे ही हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। टिल द 12th सेंचुरी है ना द ट्रेबेट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वॉज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेज। 12वीं शताब्दी तक सेंचुरी तक है ना ट्रेबेट स्टाइल चलता था आर्किटेक्चर का। कैसा स्टाइल चलता था,
ट्रेबियन है ना, तिब्बत के लोग जो स्टाइल लाए थे वह चलता था है ना। इन दिस स्टाइल, इस स्टाइल में क्या होता था, रूफ डोर्स एंड विंडोज वेयर मेड बाय प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल बीम्स अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम। इसमें क्या होता था, इस स्टाइल में दो ऐसे कॉलम हुआ करता था है ना, वर्टिकल कॉलम, और इस दो कॉलम के बीच बीम ऐसे करके बना बना के, ऐसे करके बना बना के बीम को ढलाई किया जाता था। फ्रॉम द 12th सेंचुरी ऑनवर्ड, लेकिन 12th सेंचुरी के बाद द आर्कुएट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। 12th सेंचुरी के बाद है ना आर्कुएट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है ना, विच द वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एवव द डोर्स एंड विंडोज वेयर कैरिड बाई आर्चर, जिसके अंतर्गत क्या होता था। देखो ये आप देखते हैं ना, ये पिलर, इसी को आर्च कहा जाता है। यह पिलर क्या है, यह पिलर जो है ना अपने ऊपर बहुत सारे लोड को संभाले हुआ है, तो यही जो स्ट्रक्चर बना उसे ही आर्कुएट स्ट्रक्चर, आर्कुएट सिस्टम कहा गया है ना। इसमें क्या होते थे आर्चेज, इसी को आर्च बोलते हैं, यही आर्च है पिलर, जिसे हम लोग अपने घर में भी डालते हैं, और ये आर्च जो है पिलर अपने ऊपर बहुत वजन को उठाए रहता है, ठीक है। अब आर्च और डोम के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं। द आर्च एंड डोम अराउंड रूफ विद सर्कुलर बेस वेयर टू ऑफ द मेन फीचर इंट्रोड्यूस बाय द सल्तनत रूलर एंड मुगल इन इंडिया। इंडिया में सल्तनत रूलर है ना, सल्तनत जो शासक थे और मुगल के जो शासक थे, उसके द्वारा आर्च और डोम, यह टू बहुत ही मेन चीज इंट्रोड्यूस किया गया है ना। जो आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें यह दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, एक आर्च और एक दूसरा डोम। आर्च क्या होता है हम आपको बता दिए, डोम क्या होता है, तो डोम जो है वह एक रूफ होता है सर्कुलर बेस का, आप लोग देखे होंगे गोल तरह के, गोल होता है और वह ऊपर पे बनाया जाता है मस्जिद या मंदिर के, ठीक है। अर्लियर आर्चेज वेयर मेड यूजिंग द कोरबेल टेक्निक्स, है ना, पहले जो आर्च होता था वह कोरबेल टेक्निक से बनाया जाता था। कोरबेल टेक्निक्स क्या होता है, तो विच इन विच स्टोन्स वेयर पील्ड अपनेटली इन अ पर्टिकुलर आर्च लाइक वे विच मेड एट द टॉप ट्रेबिट। इसमें क्या होता था, देखो इस तरह के जो आर्च होते थे उसमें क्या होता था, उसमें स्टोन को, पत्थर को भरा जाता था है ना, बिल्कुल नेटली तरीका से, साफ सुथरे तरीका से पत्थर को भरा जाता था, और यह जो है ट्रिबेट स्टाइल में इस तरह पाए जाते थे। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह जो है ना जहांगीरी महल जो आगरा फोर्ट में है, यह ना आर्च बनाया गया है ट्रिबेट स्टाइल में, ठीक है। बट कोरबेल आर्चेज वे आर नॉट स्टेबल इनफ फॉर मेकिंग वेरी वाइड गेटवेज, लेकिन ये जो आर्च थे कोरबेल आर्चेज जो थे वह ज़्यादा वजन उठाने में सक्षम नहीं थे। दस द ट्रू आर्च सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाई द टूट्स, तो इसीलिए यह जो है, अब जो आर्च का जो ट्रू सिस्टम था वह तुर्क्स लोग ने इसको इंट्रोड्यूस किया, तुर्क लोग ने आर्च का जो ट्रू सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया। We can see the first true arch in Balwant tomb. आप इस चित्र में देख सकते हैं, Balwant tomb है, Balwant का जो मकबरा है, यहाँ पे आर्च का जो ट्रू स्ट्रक्चर है वह दिखाया गया है। देखिए यही आर्च है, यह ट्रू स्ट्रक्चर है आर्च का है ना। A key stone was needed to balance the other stone on both sides and make them है ना stay together. अब यहाँ पे क्या किया गया है, इस स्टोन को है ना दोनों साइड बराबर बराबर भार दिया गया है ना। इसमें क्या होता था, इस आर्च में क्या होता था, बीच ही में क्या होता था, पूरे पे भार होता था, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल लोड है। टू मेक अ ट्रू आर्च अ की स्टोन वॉज नीडेड टू बैलेंस द अदर स्टोन ऑन बोथ साइड, बता दिया आप लोगों को। द यूज ऑफ आर्चेज एंड डोम्स मींस दैट मेनी पिलर्स वे आर नॉट नीडेड टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर। अब ये जो आर्च होते थे इसमें यह समझा जाता था कि ज़्यादा पिलर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको सपोर्ट करने के लिए। विच प्रोवाइडेड वाइडर गेट भी, और देखो यह वाइडर गेट भी देता था, कितना चौड़ा गेट है, इससे अंदर से आसानी से लोग आ जा सकता है। क्लियर व्यू, इससे आसानी से है ना बिल्कुल क्लियर तरीके से कोई चीज़ बाहर देख सकते हैं। एंड लार्ज स्पेस फॉर मीटिंग दैट हेल्ड इन पैलेस एंड मॉस्क, और मॉस में या किसी भी पैलेस में अंदर जाने या बाहर आने के लिए एक बड़ा स्पेस भी है। डोम्स वेयर स्पेरिकल स्ट्रक्चर ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग, डोम्स क्या होता था, या एक स्पेरिकल एक गोल स्ट्रक्चर हुआ करता था जो बिल्डिंग के ऊपर आप लोग को देखने को मिलता होगा। तो यह था आर्च और डोम्स। अब डेकोरेशन की बात करते हैं, डेकोरेशन किस तरह हुआ करता था, तो फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन, जो डेकोरेशन होता था वह फूलदार हुआ करता था और ज्योमेट्रिक शेप में हुआ करता था, और उस जमाने में बिल्डिंग में यूज़ किया जाता था।
मेनी हिंदू डिज़ाइन सच एज है ना स्वास्तिका, और इसके अलावा बहुत से हिंदू डिज़ाइन जैसे स्वास्तिका, बेल, लोटस, इन सब चीज़ों को भी तुर्क्स और मुगल के द्वारा यूज़ किया गया, बनाया गया है ना। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह है ना पुरानिक इंस्क्रिप्शन, इसमें क्या है, कुरान का मंत्र सब लिखा हुआ है, देख सकते हो। यह काज कौन चीज़ है, तो 12 गुंबद मॉस्क है ना जो दिल्ली में है, इसमें आप देख सकते हैं जो कुरान है वह कुरान की मंत्र सबको लिखा गया है। एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट ह्यूमन एंड एनिमल फिगर नॉट यूज वाइल डेकोरेशन। इट आप लोग को अच्छी तरह पता होगा, इस्लाम के आप किसी भी चीज़ में चले जाइए, किसी भी मस्जिद में आप जाएंगे तो वहाँ भी पर किसी भी तरह के आदमी या किसी भी तरह के एनिमल या किसी भी लिविंग थिंग का वहाँ फोटो आप नहीं देखेंगे, किसी भी लिविंग थिंग का फोटो वहाँ पे आप नहीं देखेंगे, क्योंकि इस्लाम में यह चीज़ बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल मना है, ठीक है। इस्लाम इस चीज़ की है ना इजाज़त नहीं देती है कि अपने मॉस में या किसी पैलेस में आप किसी जानदार मतलब लिविंग थिंग, चाहे वह ह्यूमन हो चाहे वह एनिमल हो, किसी भी चीज़ का फोटो पिक लगाए। दिस इज बिकॉज, ये तो पहले हम आपको बता दिए, वन ऑफ द रीजन फॉर द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय द मुस्लिम लूटर्स एंड इन्वेडर्स वाज यूज ऑफ ह्यूमन एंड इन्वेस्टर एंड पेंटिंग द टेम्पल। तो ज़्यादा जो है ना ये लोग जो आने लगे जब मुस्लिम लूटर इंडिया में आए, तो वह देखते थे कि जो टेम्पल में वह क्या है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ह्यूमन और एनिमल का फोटो लगाया गया है, स्कल्पचर लगाया गया है, इसीलिए वह क्या करते थे, उसको नष्ट कर देते थे, ख़त्म कर देते थे, ठीक है। द इस्लामिक रूलर्स हैव वर्सेस फ्रॉम द कुरान ब्यूटिफुल्ली कार्व्ड ऑन द वॉल्स। इस्लामिक जो रूलर होते जो थे, जो इस्लामिक राजा थे, वह जो है ना मस्जिद के है ना वर्स पे, मस्जिद के दीवार पे कुरान के वर्स, कुरान के मंत्र सबको लिखाते थे, बहुत अच्छी तरीके से ब्यूटीफुली ढंग से उसको कार्व्ड करते थे, है ना। कैलीग्राफी ऑफ द आर्ट ऑफ ऑर्नामेंट ड्राफ्टिंग बिकम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड में, कैलीग्राफी हाथ से किसी चीज़ को लिखना ऑर्नामेंट पे हो या किसी भी चीज़ को बहुत फेमस था, ठीक है। द 12 गुंबद इज एन सेट मोस्ट नियर द लोधी गार्डन इन दिल्ली इट वॉज बिल्ड। 12 गुंबद जो है ना बड़ा गुंबद, वह बहुत ही पुराना मॉस्क है जो आपको लोधी गार्डन के नज़दीक है, यह 1494 में सिकंदर लोधी ने इसको बनवाया था, ठीक है। अब बात करते हैं सल्तनत आर्किटेक्चर, सल्तनत पीरियड में किस तरह के आर्किटेक्चर बने। द सल्तनत रूलर्स बिल्ट मॉस्क, जो सल्तनत रूलर्स है, जो सल्तनत काल में जो राजा थे, उन्होंने क्या बनवाया, मॉस्क बनवाया, टॉम्ब बनवाया, मीनार, फोर्ट, फोर्ट्रेस सिटीज, वैसा सिटी जिसमें बहुत सारे किला हो, तो इस तरह के चीज़ वो लोग बनवाते थे, है ना। जैसे कुतुबुल इस्लाम मॉस्क, कुतुब मीनार, अलई मीनार, तुगलकाबाद फोर्ट, फिरोज शाह कोटला फोर्ट, ये सब कुछ एग्जाम्पल है सल्तनत पीरियड के मोनूमेंट के। इनिशियली दे बिल्ट ऑन पैलेसेस ग्राउंड एंड टेम्पल्स बिलोंगिंग टू द डिफेंडेड रूलर्स। उसके अलावा इसके साथ साथ वह शुरू में क्या बनाते थे, कुछ पैलेस बनाते थे, ग्राउंड बनाते थे, टेम्पल बनाते थे, है ना। देन दे यूज मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग टू बिल्ट स्ट्रक्चर एल्सवेयर, और फिर वह उस स्ट्रक्चर सबको डिस्ट्रॉय करके दूसरे जगह ले जाके और फिर उस चीज़ की उस चीज़ को बनाया करते थे। स्पेशली प्रिपेयर्ड स्टोन, उसमें एक स्पेशल तरह के स्टोन यूज किया जाता था जिसे ड्रेस्ड स्टोन कहा जाता था। द लोधीज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन टॉम्ब टू इंडिया, और इंडिया में गार्डन टॉम्ब है ना, टॉम्ब हुआ करता था जिसके चारों तरफ गार्डन हुआ करता था, है ना, या किसी गार्डन में टॉम्ब बनाया जाता था। इस चीज़ को लोधी जो आए, लोधी की जो डेंसिटी आई, तो इंडिया में उसने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम मुगल आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल।